हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्बिफ्लाम के बारे में। ठीक है, कॉम्बिफ्लाम जो है दो इसमें कॉम्बिनेशन रहता है। पहला कॉम्बिनेशन रहता है इब्यूप्रोफेन और दूसरा रहता है इसमें पैरासीटामोल। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसका कैसे यूज करना है और क्या इसका एक्शन क्या होता है, बॉडी पे साइड इफेक्ट क्या होता है, सब एक एक करके स्टेप वाइज हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें अगर आपको जानकारी चाहिए तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इब्यूप्रोफेन के बारे में। ठीक है, इब्यूप्रोफेन या आइब्रोफेन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, दोनों बात सेम है। ठीक है, ये जो है NSAID के अंदर आता है। ठीक है ना, NSAID बोले तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी। ठीक है ना, यहाँ पे नॉन लगा और यहाँ पे क्या है, स्टेरॉयडल है। मतलब कहें तो ये स्टेरॉयड नेचर का नहीं है, लेकिन ये क्या काम कर रहा है, एंटी इंफ्लामेटरी। ठीक है, बॉडी अपने शरीर में जब भी इन्फ्लामेशन हो, जैसे कि स्वेलिंग हो गया हो, रेडनेस हो गया हो, या बॉडी पेन हो रहा हो, ठीक है, तो वैसे इन्फ्लामेशन को अगेंस्ट में काम करेगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंस पॉइंट है कि ये स्टेरॉयड नेचर का नहीं है। मेनली अगर ज़्यादा अगर क्रोनिक अगर अपने बॉडी में जब भी अगर लंबे टाइम तक अगर इन्फ्लामेशन हो, जैसे कि अपने लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो, उस टाइम पे क्या हो जाता है, स्टेरॉयड का यूज किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नॉन स्टेरॉयडल स्टेरॉयड नेचर का नहीं है और इन्फ्लामेशन को भी ठीक करता है। ठीक है, ये पहले पॉइंट है। दूसरी बात करें तो इट ट्रीट द बॉडी पेन बाय द इनहिबिशन ऑफ कॉक्स एंजाइम। ठीक ना, कॉक्स एक ऐसा एंजाइम से जो कि अपने बॉडी को पेन को परसेप्शन कराता है, उसका हम एग्जांपल में समझे तो सबसे पहला आता है कॉक्स वन और कॉक्स टू, जिसको साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। यह जब दोनों एंजाइम्स मिलते हैं, दोनों जब ये एंजाइम्स मिलते हैं तो जाके बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। ठीक है, यह भी एक तरह का क्या है, केमिकल है, जिसको मेडिएटर्स भी बोलते हैं। तो यह जो प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटर्स है, यह कॉक्स वन और कॉक्स टू एंजाइम के हेल्प से बन गया है, और कॉक्स टू और कॉक्स वन और कॉक्स टू एंजाइम बनने के बाद से प्रोस्टाग्लैंडिन बना, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या कराता है, पेन को परसेप्शन कराता है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये दर्द में है, इसलिए थोड़ा सा ये मायूस दिख रहा होगा। ठीक है, पेन का परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है पेन को महसूस कर पाना। ठीक है ना, जब भी बॉडी में पेन हो रहा है, बॉडी में अपने बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर दर्द हो रहा है ना, तो उस टाइम पे क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके ब्रेन तक क्या हो रहा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक मैसेज लेके जा रहा है कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर ज्वाइंट्स में अगर मान लो कि आप नहीं जा रहे हो, पैर में चोट लगी है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ, कॉक्स वन कॉक्स टू एंजाइम्स रिलीज हुआ और बनाया गया प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या किया, दर्द को महसूस कराया आपके ब्रेन तक, मस्तिष्क तक क्या किया कि दर्द को महसूस कराया। ठीक है, ये इसकी क्या है, फिजियोलॉजी है, इसका बैकग्राउंड है, समझे। आप समझते हैं ये जो NSAID है, बोले तो इबीप्रोफेन जो इसमें कॉम्बिनेशन है कॉम्बिफ्लाम में, वो क्या करेगा, वो ये कॉक्स वन और कॉक्स टू इंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, या प्रोस्टाग्लैंडिन इंजाइम जो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल है उसको इनहिबिट कर देगा। अब आप समझिए, ये कॉक्स वन और कॉक्स टू जो इंजाइम्स है इसको इनहिबिट कर देगा, मतलब कि रोक देगा, ये इसको सिंथेसिस बनने ही नहीं देगा, और कॉक्स वन कॉक्स टू जो इंजाइम से वो नहीं बनेगा, और कॉक्स वन कॉक्स टू अगर नहीं बनेगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों के हेल्प से बन रहा है, इसको दोनों को रोक दिए तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो इसको क्या होगा कि पेन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या होगा कि ये इसकी जो बॉडी में पेन हो रही थी वो नहीं होगी। ठीक है, अभी हैप्पी मूड में हो गया है। ठीक है, अब समझते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है, एंटीपायरेटिक बोले तो फीवर को ठीक करने के लिए एंटीपायरेटिक दिया जाता है। ठीक है, जब भी आपके बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो या वायरस हो, ठीक है, तो अपने बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उस बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने वाली जो अपने बॉडी की जो शक्ति है, इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और वो एक्टिव होते हैं तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और बॉडी के टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं कि फीवर है। फीवर कोई बीमारी नहीं होता है, फीवर एक तरह की क्या, सिम्टम होता है। ठीक है ना, और फीवर सिम्टम जो होता है एक तरह का अपने बॉडी को क्या करता है कि अवेयर कराता है। ठीक है, अवेयर किस चीज़ से करा रहा है कि आपके बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन चला गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस कुछ ना कुछ अपने बॉडी में चला गया है, उसको सिम्टम के जरिए हमको पता चलता है कि टेम्परेचर हमारा बॉडी का बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि हमको पता चलता है कि फीवर होता है। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक्शन क्या होगा, एंटीपायरेटिक का, एंटीपायरेटिक ट्रीट टू द फीवर, ठीक है, फीवर को सही करेगा, इफेक्टिव ऑफ द थर्मोरेगुलेशन सेंटर, ठीक है ना, ये थर्मोरेगुलेटर रेगुलेटरी सिस्टम पे जाके काम करेगा, ठीक है। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, और रेगुलेशन का मतलब कि उसको बढ़ाने, उसको कम या उसको मैनेज करने वाला, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन जो पावर होता है अपने ब्रेन में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस काम करता है कि बॉडी के कब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, कब कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी के टाइम में क्या है, सर्दी है, तो जो वातावरण जो है इसमें क्या है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा है, ठीक ना। सर्दी आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका जो वातावरण का जो तापमान है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने वाला, रेगुलेट करने वाला, कितना बॉडी के टेम्परेचर रहना चाहिए उसको पूरा कॉन्स्टेंट मैनेज करने वाला का काम क्या करता है, हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेटरी, थर्मो मतलब कि टेम्परेचर, उसको रेगुलेट करने वाला, थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो एंटीपायरेटिक जो हाइपोथैलेमस पे काम करेगा और टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, फीवर से वो ट्रीट करेगा, ठीक है। उसके बाद से समझते हैं इसका यूज, ठीक है, फीवर में यूज करेंगे, ठीक है। फीवर में आपने देख लिया कि कैसे एंटीपायरेटिक काम कर रहा है थर्मोरेगुलेटरी पे। उसके बाद से बॉडी पेन, कॉक्स वन कॉक्स टू को इनहिबिट कर देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन नहीं होगा। उसके बाद से ये भी एक तरह का क्या है, टाइप है टूथ एक, दांतों में दर्द है तो ज्वाइंट्स पेन जैसा होता है ना, अर्थराइटिस, ठीक है, ज्वाइंट्स पेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अर्थराइटिस। उसके बाद से हेडेक में भी इसका यूज है, ठीक है। तो इसका क्या है, मेनली यूज है, ठीक है। अब समझते हैं इसका साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट कुछ कुछ पेशेंट में देखा गया है, सारे पेशेंट में नहीं देखा गया है, लेकिन इसका कॉमन साइड इफेक्ट है नौजिया, लगेगा कि अब उल्टी हो जाएगा, किसी किसी में लगेगा कि उल्टी हो भी गया। उसके बाद से कॉन्स्टिपेशन और डिजनेस है, चक्कर आएगा और कॉन्स्टिपेशन जो है उसको कब्ज जैसा बना रहेगा, ठीक है। यह एक आज के वीडियो में हम देखे हैं कॉम्बिफ्लेम के बारे में, ठीक है। आपको अगर शॉर्ट में समझाए तो कॉम्बिफ्लेम का है एंटीपायरेटिक प्लस एनएसएआईडी। एनएसएआईडी इन्फ्लामेशन को सही करेगा, बॉडी में पेन को सही करेगा, और एंटीपायरेटिक बोले तो फीवर को सही करेगा। यह दोनों कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हम डोज की बात करें तो 350 mg इबुप्रोफेन आता है, और उसके बाद से 400 mg जो होता है वो पैरासिटामोल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर बॉडी में ज़्यादा दर्द हो और फीवर भी हो तो कॉम्बिफ्लाम ये दोनों कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ फीवर हो तो सिंपल आप पैरासिटामोल ले, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं हो, अगर ज़्यादा दिन तक, 3 दिन से ज़्यादा 4 दिन से ज़्यादा अगर फीवर है तो ब्लड चेकअप कराना पड़ेगा, उसके लिए एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। यह